आगे बढ़ते हैं आयुर्वेद में प्रमाण की उपयोगिता आवश्यकता और आयुर्वेद में प्रमाण के महत्व के बारे में। ठीक है, आयुर्वेद में प्रमाण को परीक्षा के नाम से कहा गया, जैसे मैंने आपको बताया। सुश्रुत में प्रमाण के लिए विज्ञान उपाय शब्द का प्रयोग किया। ठीक, जैसे दर्शन शास्त्र में यथार्थ ज्ञान के लिए कोई भी एब्सोल्यूट नॉलेज को प्राप्त करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आयुर्वेद में रोग को, रोगी को, औषध और वैद्य सभी, मतलब ये चतुष्पाद जो है ना हमारे, इनके सम्यक ज्ञान के लिए परीक्षा की या प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसमें रोगी और रोग की परीक्षा के बिना चिकित्सा की ही नहीं जा सकती। कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना। औषधि की परीक्षा के बिना उसका प्रयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सीधी सी बात है, जब तक हमको उसके बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आपको ना रोगी का पता है, ठीक, रोगी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है आपको, आपको ना रोग के बारे में कोई ज्ञान है, ठीक है, ना ही आपको औषध के बारे में ज्ञान है, ना ही आपको वैद्य के बारे में ज्ञान है, तो आप चिकित्सा कैसे करेंगे। रोगी को वैद्य के बारे में जानना उतना ही अनिवार्य है, ठीक है, जितना उसको अपने रोग के बारे में जानना है, जितना उसको अपनी औषधि के बारे में जानना है ना, और जितना उसको वैद्य के बारे में जानना जरूरी है, उसको वो भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास जाके तो ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में सबको एक दूसरे के बारे में एब्सोल्यूट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी चिकित्सा सही होगी। ठीक है, तभी हम चिकित्सा सही कर सकते, तभी कोई रोगी भी चिकित्सा सही ढंग से करा सकता है, सही डॉक्टर के पास जा सकता है। महर्षि चरक ने कहा है कि सद और असद की परीक्षा चार प्रकार से करते हैं, ठीक है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ठीक है, चरक ने कहीं कहीं पर ऐसे बोला है कि ज्ञान ज्ञान व्यक्ति दो परीक्षा कर सकते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, जिसमें पहले भी बता चुके हैं आपको, तो वो केवल ज्ञानियों के लिए, जहाँ पर द्विविध परीक्षा के बारे में उल्लेख किया गया। वैसे हम लोग चतुर्विध परीक्षा या त्रिविध परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिविध परीक्षा में क्या होता है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन तीनों के हिसाब से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। द्विविध परीक्षा में क्या होता है कि प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, एक विध परीक्षा देखेंगे तो केवल प्रत्यक्ष है, विविध में जाएंगे तो प्रत्यक्ष और अनुमान है। ठीक है, प्रत्यक्षम अनुमानम च। उसके बाद त्रिविध परीक्षा में आप जब देखेंगे ना, तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमानम अच्चेति, तो तीन प्रकार के। ठीक है, आप्तोपदेश, विद्वान वैद्य जो होते हैं वो आप्तोपदेश से, प्रत्यक्षकरण से और अनुमान के द्वारा लोगों की भली भांति जानकारी भी प्राप्त करते हैं और उसकी बेहतर चिकित्सा भी करते हैं। अभी सुश्रुत ने उसको क्या बोला, चतुर्विध परीक्षा बोला, मतलब आयुर्वेद का श्रेष्ठतम अंग उन्होंने शल्य तंत्र को बोला है। ठीक है, तो आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान के द्वारा, उपमान मतलब किसी भी सिमिलर चीज़ को देखकर उसके हिसाब से उपाधि देना या उसके साथ उसको कंपेयर करना, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। कौन कहते हैं, आचार्य सुश्रुत, तो उनके हिसाब से चतुर्विध परीक्षा। ठीक है, महर्षि चरक ने सत और असत परीक्षा के लिए चतुर्विध और रोग विज्ञान के लिए त्रिविध परीक्षा, आपको याद रखना है, सत और असत के परीक्षण के लिए चतुर्विध परीक्षा का उल्लेख किया गया है और रोग विज्ञान के लिए त्रिविध परीक्षा का, जबकि परीक्षणार्थ ज्ञानियों के लिए परीक्ष विषयों का ज्ञान विविध प्रकार से भी किया जा सकता है। ठीक है, महर्षि सुश्रुत और गौतम ने चतुर्विध और कपिल तथा पतंजलि ने त्रिविध प्रमाण प्रदर्शित किए हैं। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करती हूँ, आचार्य चरक ने बोला है कि सत और असत के परीक्षण के लिए चतुर्विध परीक्षा करनी है, रोग विज्ञान के लिए त्रिविध परीक्षा करनी है, त्रिविध में प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा आप्तोपदेश। ठीक है, और ज्ञानियों के लिए द्विविध परीक्षा भी काफ़ी है उनके लिए। ठीक, और सुश्रुत और गौतम ने बोला है कि चतुर्विध परीक्षा करनी है आपको। ठीक है, मतलब न्याय ने भी हमने पढ़ा ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, शब्दों को ही तो सुश्रुत ने आगम बोला है। ठीक है, तो ये सारे परीक्षा न्याय मतलब गौतम ऋषि ने भी और सुश्रुत दोनों ने बोली। ठीक, और कपिल और पतंजलि जो है ना, उन्होंने त्रिविध प्रमाण बोला। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद महर्षि चरक ने वाद मार्ग प्रकरण जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें भी उन्होंने आप्तोपदेश रूप को ऐति शब्द बोला है, वहाँ पे भी उन्होंने आप्तोपदेश को ऐति शब्द से उल्लेखित किया है, लेकिन आप दोनों लिख सकते हैं, चाहे तो ऐति भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप्तोपदेश, लेकिन जब प्रथम लिखते हैं ना तो नॉर्मली हम आप्तोपदेश का ही प्रयोग करते हैं, ऐति को बाद में जब पौराणिकों ने माना ना तो वहाँ पे आता है। तो चरक ने हालांकि उसको वाद मार्ग के टॉपिक पे ऐति शब्द से उल्लेखित ज़रूर किया है। अब ज़रूरी क्यों है प्रमाण ज्ञान का, जो महत्व है वो क्या है, मैं आपको बताती हूँ। प्रमाण का सीधा सा मतलब होता है असंदिग्ध ज्ञान, जहाँ पे कोई डाउट नहीं है। ठीक, जहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी व्यक्ति ना अपनी चेतना के द्वारा एक विशिष्ट स्थिति में होता है और उतना उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यहाँ पे सीधा सा मतलब है, जितना आपका माइंड शार्प होगा उतना ही तेज़ी से आप चीज़ों को समझेंगे। एक कॉमन चीज़ बताती हूँ, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हम लेबोरेटरी में जाते हैं। ठीक है, हम लैब में जाते हैं, कोई टेस्टिंग करते हैं, तो जितना वहाँ पर जो हमारे एपरेटस या जो टेस्टिंग किट है वो जितना ज़्यादा प्योर ओरिजिनल होगा ना, उतने ही हमारे टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो सही आएंगे। ठीक है, मतलब यंत्र जितना शुद्ध होगा उतना ही ज्ञान भी शुद्ध होगा। अगर आपके एपरेटस में या फिर आपके जो भी आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें ही कोई प्रॉब्लम है
वो काम ही नहीं कर रहा, वो किट प्रॉपर टेस्टिंग किट काम ही नहीं कर रहा, तो क्या आपको टेस्ट रिजल्ट सही मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, है ना। तो आपको यही ध्यान रखना, जैसे कि प्रयोगशाला में क्या होता है, आधुनिक उपकरण क्या करते हैं, केवल इंद्रियों की शक्ति को या उसकी सीमा को बढ़ा देते हैं, उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं करते। करेंगे तो आप भी वही चीज़, ठीक है। लेकिन अगर आप सही टेस्टिंग किट के साथ में वो टेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो एब्सोल्यूट नॉलेज में कन्वर्ट होता है, आपको एकदम सही चीज़ मिलती है उससे। ऐसा नहीं है कि वो उसका गुण परिवर्तन कर देगा, नहीं, वो आपको सही नॉलेज देगा। कब? तब की स्थिति में जब वो किट सही है, जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह। अगर आपकी इंद्रियों में दोष है, आप ठीक से कर ही नहीं रहे, आपके हाथ कांप रहे, एक बात है, या फिर आपने कम ज़्यादा कर दिया केमिकल को, ठीक है, या टेस्टिंग किट को ठीक से नहीं पकड़ा या ठीक से नहीं रखा, तो क्या होगा, आपकी इंद्रिय, ये आपकी तरफ से होने वाला दोष है, आपकी तरफ से होने वाला फॉल्ट है, तो वहाँ पे क्या होगा, उपकरण से जो प्राप्त ज्ञान होगा वो भी दोषपूर्ण होगा। मतलब इस स्थिति में आपकी इंद्रियों को भी एकदम सजग होने की अनिवार्यता है, और यंत्रों का शुद्ध होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तभी जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा ना, वो एकदम सही ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने मन के बारे में भी समझ सकते हैं। कोई भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो आपकी शुद्धता और अशुद्धता के ऊपर डिपेंड करता है, आपका मन कितना शुद्ध है उस चीज़ के लिए, तब जाके आपको वो प्रॉपर ज्ञान प्राप्त होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, इंद्रियजन्य ज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी, ये हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है माना जाता है, हमारे मतलब भारतीय दर्शन शास्त्र में भी, और ऐसे भी भारतीयों में ये परंपरागत रूप से माना जाता है कि जो सिक्स सेंस होता है हमारा, सेंसेस जो है हमारे, वो सही ढंग से काम करते हैं। अगर आपकी समझ लीजिए चक्षु इंद्रिय में ही दोष है, तो क्या आप ठीक से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो आपके इंद्रियों को भी उतना ही शुद्ध होना अनिवार्य है, ठीक है। एक बार क्या होता है, जैसे कई बार होता है कि आँख एक है अपनी, जैसे इंद्रिय है अपनी चक्षु इंद्रिय, वो 10 बार देख रही है, 20 बार देख रही है, 100 बार देख रही है, तो हो सकता है 100 बार में से 99 बार तो वो सही देख रही है, एक आध बार उसमें भूल हो सकती है। तो एरर हर जगह पे होता है, ठीक है, ये चीज़ होता है। इसलिए क्या होता है, जब भी कोई मैथमेटिकल स्टैटिकल वैल्यू निकाली जाती है ना, तो वहाँ पे भी 0.99 चीज़ों को 0.99% की चीज़ों को सही माना जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम 100% कभी भी कोई नहीं बोलता, मतलब एरर तो होने ही होने। आप जब रिसर्च स्टार्ट पढ़ेंगे तब भी आप ये पढ़ेंगे कि एरर तो होते ही, अगर एरर नहीं है दैट मीन्स आपका जो रिसर्च है ना वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। एरर होना तो बिल्कुल बनता ही बनता है, तो उसको शुद्ध नहीं मान सकते। जो भी जितने भी रिसर्च अभी होता है ना, जो भी अनुसंधान होता है, उसमें सब्जेक्टिव व्यू को पूरी तरह से आप निरस्त नहीं कर सकते, ठीक। तो उसी भी एक कहावत भी है कि ऑब्जर्वर इज पार्टिसिपेटर, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो खुद भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, रिसर्च में, क्योंकि उससे भी कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई ना कोई एरर हो ही सकता है। जब हम हाइपोथेसिस मेक करते हैं तो हम वहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंटली पढ़ते हैं रिसर्च में, जो आप फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, कि एरर इज कंपलसरी इन स्टेप ऑफ रिसर्च, ठीक है। गणित का कोई भी सिद्धांत हो या फिर फिजिक्स का कोई भी सिद्धांत हो, तो वो जो है ना व्यक्ति की चेतना से अछूते नहीं रखे जा सकते। आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आपको कुछ चीज़ प्राप्त करनी है, तो आपका आपकी जो चेतना है, आपकी जो इंद्रियजन्य ज्ञान है ना, वो बहुत एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो प्रयोगशाला के जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं, वो केवल बाहें आप उसके आंकड़ों पे आश्रित नहीं होते, वो प्रयोगकर्ता की चेतना से भी उतने ही अफेक्टेड होते हैं, कि वो कितनी चैतन्य स्थिति में उसको काम को कर रहा है, उस रिसर्च को कर रहा है, तभी वो आंसर सही मिलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि प्रमाण प्राप्त करना, मतलब वहाँ पे कोई गलती नहीं, ऐसे ही प्रिंसिपल्स बनते हैं, ऐसे ही प्रूफ्स, ऐसे ही एविडेंस होते हैं जो एक रिसर्च को कम्प्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि शरीर को और मन को अधिक से अधिक शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि वही पुरुष वही कर सकते हैं, वो हमारे पुरुषार्थ से साध्य है, ठीक है। अंदर को भी शुद्ध करना है और बाहर को भी शुद्ध करना है। तो एक छोटी सी बात इसमें बोली गई है कि बाह्य जगत की सत्ता तो हमेशा ही बनी रहेगी, लेकिन अंदर से अगर आप ठीक होते, अंदर से आप शुद्ध होते, तो मोक्ष एक व्यक्तिगत उपलब्धि पर होती है, जो केवल आपको मिलती है। इसलिए हमारा दर्शन जो ना अध्यात्म दर्शन कहा गया, और यहाँ पर प्रमाण का उल्लेख किया गया, ठीक है। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए Thank you.